रेगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। आज मंगल जी के खेत पे हम देखने आए हैं कि कितने कल्ले अब तक हो गए हैं अपने धान में। ये देखिए हमारी कल्चर रखा हुआ है, ये हमारा केला है, ये हमारा धान है और ये हमारा लगा है गन्ना। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि अभी हम नवीन जी कह रहे थे कि इसमें आज आए हैं खेत में देखने के लिए कि टिल्डिंग की स्टेज क्या पहुंची है, टिल्डिंग कितने संख्या तक पहुंची है। तो एक्चुअली हम तो ऑलरेडी गिनते हुए आ रहे हैं, हमारे जानकारी में है कि लगभग औसत से 15 से 20 तो नॉर्मली सभी में अभी टिल्डिंग आ ही गई है। कुछ ऐसे भी 16-92 के हमारे पौधे तैयार हो गए हैं जिसमें 25 से 30 तक टिल्डिंग है। जैसे कि नवीन जी अगर दिखाना चाहेंगे तो इसमें जैसे भी आप देखें तो 1 2 इसको जूम करके दिखाएं ज़रा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इसमें है। उसके बाद अगर बगल में हम इसकी भी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगर इनको दिखाएं काउंटिंग में नहीं ले रहे हैं फिर भी एक ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, 17 18 19 ये है। 16 बैंड बगल के किसान हैं जो इन्होंने अभी किसी प्लांट में गिन रखा हो 30 तक बता रहे हैं, जरा उसका भी देख लेते हैं उसमें कितना ट्रेलिंग आया है। और किसान भाई ये 1692 है जिसको भी हम गिन रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो आप अगर देखना चाहेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इसमें कई सारे हैं लेकिन एक ही गिन लेते हैं, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, लगभग ज़्यादा ही होंगे 37। तो अभी तक 16 92 वैरायटी के लिए जितना भी बताया गया था अभी तक हम लगभग 50 से 55 की फसल है, टिल्डिंग जितनी होती है हम लगभग उस स्थिति तक पहुंच गए हैं, सारी चीज़ें सही निकलती चली जा रही हैं। अब लास्ट बस यही देखना रहता है कि प्रोडक्शन के लिए जो बताया गया है 4 से 5 क्विंटल पर बीघा और 25 से 30 क्विंटल पर एकड़ अगर आता है नहीं आता है जो भी है, और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि जब भी हार्वेस्टिंग होती है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं और आप आकर के हार्वेस्टिंग के समय भी वीडियो बनाएं। मैग्नीशियम सल्फेट जरूर डालें, हो सकता है तो डिकम्पोजर मैक्सिमम चलाएं, उसके बाद में कल्चर भी दें, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हमने केवल खाद में प्लांटेशन के समय में सुपर पोटाश यूरिया जो भी चीज़ें दी हैं उसके बाद में पानी देने के बाद में वो या खादें नहीं दी, हमने कल्चर दो बार दिया, डिकम्पोजर एक बार चलाया। अगली बार कल्चर बनाते हुए का वीडियो अपलोड करेंगे किसानों के लिए कि कैसे हम कल्चर बनाए, कल्चर में क्या क्या चीज़ें डाली हैं, सारा कुछ हम किसानों को अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद मंगल जी। कोई किसान को डिमांड है, किसान आना चाहता है, अगर विजिट करना चाहे, जैसे किसानों को लगता है कि भाई 35 या 36 टिल्डिंग 1692 किसी भी वैरायटी में नहीं रहती है, या मान लीजिए इसके लिए भी बताएगा 15 से 20 तक की टिलिंग, लेकिन वो मुझे भी देख के चंबा हो रहा है जैसे आपके सामने हमने काउंटिंग की, अगर किसानों को डाउट है तो बिल्कुल हमारे प्लॉट से आकर के काउंटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि है 18-20 की तो बात रही, आप किसी प्लांट में गिन लीजिए है ही है। धन्यवाद मंगल जी। तो एक काम करेंगे, आपका नंबर शेयर कर देंगे कि हमारा जो ब्लैक राइसिंग का पहला वीडियो बन रहा है, ये जो हमने लगाया था ये 27 तारीख को ही लगा था 1692 के साथ में, आज ये 55 दिन की फसल हो गई है। इसमें टिल्डिंग की अगर हम बात करें तो 18 से 20 कहीं कहीं 25 से 30 तक भी कल्ले हैं, जिससे कि हम आपको गिन के दिखाना चाहेंगे। नवीन जी जरा जूम करके दिखाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 इसमें है। अगर हम बगल में ही देख लेते हैं इसमें भी देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर जूम करके देखें तो एक ये भी नया कल्ला निकला हुआ है। नवीन जरा इसको दिखाएं आप, ये आप देख रहे हैं जैसे कि जूम करके, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसमें है, लगभग 18 से 20 कहीं कहीं 25 से 30 तक भी टिल्डिंग है किसी कुछ प्लांट में, जैसे है अभी अगर पड़ोस में है भी, इसमें से भी
आप देखना चाहेंगे तो उसमें 30 तक ट्रिलिंग आ रखी है। जैसे कि नवीन जी आप अगर इसमें दिखाएं तो इसमें ट्रिलिंग 25 से भी ज़्यादा है। जैसे कि आप जूम करके दिखाएं, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस। संशय तो किसानों के मन में ये आएगा कि 30 से 35 की टिलिंग ऐसा संभव है नहीं है। जिन किसानों को डाउट है वो आके देखना चाहेंगे। फिर उसके बाद में एक सवाल ये उठता है कि फिर अगर इसमें कुछ अलग किया गया होगा, इसमें कहीं कुछ अलग नहीं किया गया, हमने एक कल्चर चलाया है। तो किसान भाई, जैसा कि हम आए थे मंगल जी के खेत पे देखने कि हमारे धान में कल्ले कितने हैं, क्या ग्रोथ आ रही है, और जैसे मैग्नीशियम इन्होंने बताया कि मैग्नीशियम सल्फेट डालने से फ़ायदा हुआ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे कल्ले हैं, ट्रिलिंग बहुत अच्छी हुई है। अब आगे देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है 1692 बासमती में और हमारे काले चावल में। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को अपने साथी किसानों के साथ इसको साझा करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन नीचे हमारे वीडियो के लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होता है, और उसके बगल में एक घंटी का बेल का आइकॉन होता है, अगर आप उसको भी क्लिक करेंगे तो हम अगला जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि हमारा वीडियो आ चुका है, उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आएगा और आप फिर वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माटी, जय किसान।